स्टॉक के बारे में जानने से पहले एक कहानी सुनिए। एक कहानी है ऐसे एक इन्वेस्टर की जिन्होंने छोटे से इन्वेस्टमेंट से बनाया करोड़ों की मुनाफा। बात है 2014 की। उस कंपनी की एक शेयर की प्राइस था केवल 20 रुपया। तब एक अननोन इन्वेस्टर कंपनी की क्वालिटी और पोटेंशियल को पहचानते हुए एनालिसिस करने के बाद लगभग 1.5 लाख रुपया निवेश किया। उसके बाद एक साल, दो साल, तीन साल बाद साल 2017 शेयर प्राइस केवल 20 रुपया से 30 गुना इंक्रीज होकर हो चुका था लगभग 600 रुपीज। जिस वजह से 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट करके 3 साल बाद लगभग उन्हें 4.5 करोड़ की प्रॉफिट हुआ था। और इस इन्वेस्टर की नाम है परिंजु वेलियत, जो ये केरला से है। और फिलहाल परिंजु वेलियत इक्विटी इंटेलिजेंस इंडिया नाम से एक फंड हाउस को भी मैनेज करता है। और इन्होंने जिस कंपनी के अंदर निवेश किया था उसकी नाम है KRBL, जो कि इंडिया गेट नाम से बासमती राइस बनाता है। साल 2014 जब मार्केट में किसी ने भी KRBL को भाव नहीं दिया, उस दौरान परिंजु वेलियत रिसर्च करने के बाद केवल 20 रुपया की भाव पे KRBL में इन्वेस्टमेंट किया था। At 20 rupees, this is the global leader in that particular business. Forget about India. The stock was traded like a penny cap. तो क्या फिलहाल भी मार्केट में ऐसी कोई कंपनी है जिसे मार्केट सही वैल्यू नहीं दिया है जितना वैल्यू कंपनी डिजर्व करता है? जो भी है, मैं हूं गौरव नंदी। आज की वीडियो के माध्यम से हम ऐसी कुछ कंपनीज के बारे में बात करेंगे जिनकी शेयर प्राइस काफी कम है, लेकिन फ्यूचर में जाकर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। आज के वीडियो के अंदर हम ऐसे 3 कंपनीज के बारे में बात करेंगे जो कि मार्केट में फिलहाल काफी लो प्राइस पे मिल रहा है, जिनमें से पहली स्टॉक की प्राइस है लगभग 40 रुपीज, दूसरी स्टॉक की प्राइस है लगभग 30 रुपया और तीसरी और अंतिम स्टॉक की प्राइस है 7 रुपीज के आसपास। तो चलिए एक एक करके इन कंपनीज के बारे में जानते हैं। हमारे लिस्ट की फर्स्ट कंपनी की नाम है इजी माई ट्रिप या फिर इजी ट्रिप प्लानर, जो कि ये भारत की सेकंड लार्जेस्ट एंड वन एंड ओनली प्रॉफिटेबल ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म। और कंपनी की काम है लोगों को ट्रैवल करने में मदद करना। तो अगर आपको किसी जगह पे जाना है तो आप चाहे तो इनकी ऐप नहीं तो वेबसाइट की मदद से खुद के लिए टिकट बुकिंग कर सकते हैं। ये कंपनी फ्लाइट टिकट, ट्रेन टिकट, कार टिकट, बस टिकट के साथ ही साथ होटल और हॉलीडे पैकेज बुक करने की सुविधा भी देता है अपने कस्टमर्स को। साल 2008 में ये कंपनी शुरू हुआ था और शुरू शुरू में कंपनी केवल ट्रैवल एजेंट्स को ही टिकट बुकिंग करने की सुविधा देता था। उसके बाद धीरे धीरे कंपनी आप और हम जैसी आम रिटेल कस्टमर्स को भी टिकट बुकिंग करने की सुविधा देने लगा। और इस कंपनी की सबसे अच्छा जो खास बात है, ये कंपनी आप और हम जैसी नॉर्मल कस्टमर से किसी भी तरह की फीस या फिर कमीशन नहीं लेता है, लेकिन कंपनी पैसा कहाँ से कमाता है? देखिए, कंपनी केवल बिजनेसेस से जैसे कि कोई एयरलाइंस या फिर होटल से कमीशन या फिर इंसेंटिव वगैरह लेता है, लेकिन डायरेक्ट कस्टमर से चार्जेस, कमीशन कुछ भी नहीं लेता है। इसके अलावा इजी रिफंड और 24/7 कस्टमर सपोर्ट सर्विस जैसी सुविधा की वजह से इन्हें लगभग 86% कस्टमर से रिपीट ट्रांजैक्शन मिलता है, यानी कि इनकी सर्विस पसंद है कस्टमर को, जिस वजह से इनकी रिकॉल वैल्यू ज्यादा है और एज ए रिजल्ट इनकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम हो जाता है। इजी माई ट्रिप टोटल 3 तरह से रेवेन्यू कमाता है। नंबर 1, एयर टिकट सेगमेंट। जब कोई कस्टमर इनसे फ्लाइट टिकट बुकिंग करता है तब कंपनी को एयरलाइन से कमीशन और इंसेंटिव मिलता है। फ्लाइट टिकट बुकिंग कंपनी की मेन बिजनेस सेगमेंट है जहाँ से इन्हें सबसे ज्यादा 94% रेवेन्यू मिलता है। नंबर 2, होटल एंड हॉलीडे सेगमेंट। सिमिलर तरह से जब कोई कस्टमर होटल रूम या फिर हॉलीडे पैकेज बुक करता है तब इस कंपनी को होटल्स या फिर हॉलीडे पैकेज प्रोवाइडर से कमीशन और इंसेंटिव मिलता है, जो इनकी टोटल रेवेन्यू में 5.4% कंट्रीब्यूशन देती है। नंबर 3, अदर सेगमेंट। इसके अलावा ट्रेन, बस, कार, इंश्योरेंस, वीजा या फिर अलग अलग सर्विसेज के लिए इन्होंने काफी सारे अलग अलग कंपनीज के साथ पार्टनरशिप किया है जहाँ से इन्हें कमीशन और इंसेंटिव मिलता है, जो कि इनकी टोटल रेवेन्यू में 0.6% कंट्रीब्यूशन देती है। साथ ही साथ इस कंपनी की फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है। फिलहाल की लेटेस्ट डेटा के हिसाब से कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है 46.9%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 54.6%, 24.6% प्रॉफिट ग्रोथ, 39.5% सेल्स ग्रोथ के साथ ही साथ कंपनी है लगभग डेट फ्री कंपनी। फिलहाल इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.19।
और फिलहाल शेयर मार्केट पे इनकी स्टॉक प्राइस चल रहा है 38.9 रुपीस के आसपास। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की फाइनेंशियल काफी स्ट्रॉन्ग है, इनके बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छे से यूनिक और इनोवेटिव है, और कंपनी जो भी सुविधा या फिर सर्विस देती है वो कस्टमर को काफी आसान, सिंपल, इजी वे में प्रोवाइड करती है, और इसकी बदले में कस्टमर से कोई एक्स्ट्रा चार्जेस या फिर कमीशन नहीं लेता है। कंपनी केवल चार्जेस या फिर कमीशन लेता है बिजनेसेस से। इस वजह से मेरा मानना है कि फ्यूचर में जाकर इजी माई ट्रिप इस कंपनी की बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छे से ग्रो हो सकता है, कंपनी को बहुत ही अच्छा खासा सक्सेस मिल सकता है। इसके अलावा एस्टिमेट के हिसाब से इंडिया की ऑनलाइन ट्रैवल मार्केट 17.9% CAGR रेट से ग्रो हो सकता है, और 2026 आधे आते ऑनलाइन ट्रैवल इंडस्ट्री की टोटल वैल्यूएशन 2,491 बिलियन रुपीस पे जा सकता है। तो उम्मीद है आने वाले सालों में इजी माई ट्रिप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। इसलिए मेरा कहना है इस कंपनी को डिटेल में एनालिसिस कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिए। अभी आइए बात करते हमारी लिस्ट की सेकंड कंपनी के बारे में। अभी अगर मैं आपको कहता हूँ 10 साल बाद की टू व्हीलर, स्कूटर या फिर एक कार को इमेजिन कीजिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपने ऐसा कुछ भी इमेजिन नहीं किया है, आपने ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इमेजिन किया है। क्या सच में ऐसा होगा? 10 साल बाद क्या सच में ओनली ईवी चलेगा? अभी आपसे मेरा सवाल है, फिलहाल जो इतने सारे डीजल या फिर पेट्रोल की गाड़ी है उनका क्या होने वाला है? देखिए, मैं मानता हूँ कि फ्यूचर में जाकर आने वाला कुछ सालों के बाद इलेक्ट्रिक गाड़ी की अलग ही डोमिनेंस होने वाला है, लेकिन आने वाले कुछ सालों के अंदर और एक स्पेशल टाइप की गाड़ी हमें मिलने वाला है। उस गाड़ी की नाम है फ्लेक्सी फ्यूल्स व्हीकल्स। पेट्रोल या फिर डीजल के साथ इथेनॉल को मिला के जो फ्यूल बनाया जाता है उसे कहा जाता है फ्लेक्सी फ्यूल। फ्लेक्सी फ्यूल सस्ता होता है और इसे भारत में ही बनाया जा सकता है। फिलहाल 2023 में अगर आपने या फिर आपकी पहचान में किसी ने अगर कोई नया कार या फिर बाइक खरीदा है तो उस गाड़ी की ऑयल टैंक देखिए, आपको E20 लिखा हुआ मिलेगा। E20 यानी कि इथेनॉल 20, यानी कि आपकी गाड़ी फ्लेक्सी फ्यूल सपोर्ट करता है जहाँ पे मैक्सिमम 20% इथेनॉल है। साल 2003 में सबसे पहले पेट्रोल में 5% इथेनॉल को ब्लेंड करके E5 फ्लेक्सी फ्यूल बनाया गया था, और उसके बाद E10, E15 और फिलहाल E20 तक बन चुका है, जो कि फिलहाल BS6 इंजन पे चलता है, और इंडियन गवर्नमेंट की टारगेट है इसे E85 तक लेकर जाना। तो समय के साथ ही साथ इथेनॉल पेट्रोल और डीजल के अंदर और भी ज्यादा क्वांटिटीज में ब्लेंड किया जाएगा, जिसकी सीधा फायदा मिलने वाला है इथेनॉल प्रोडक्शन करने वाला या फिर इथेनॉल बनाने वाले कंपनीज को। और फिलहाल भारत में काफी सारे कंपनीज है जो कि इथेनॉल की प्रोडक्शन करता है, और इनमें से वन ऑफ द अच्छा कंपनी है KM सुगर मिल्स कंपनी। सुगर यानी की चीनी, मोलासिस यानी कि गुड़। इसके अलावा इथेनॉल और रिन्यूएबल पावर पे भी काम करता है। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से कंपनी अपनी इथेनॉल प्रोडक्शन को पिछले 5 साल में 138% इंक्रीज किया है। इसके अलावा कंपनी BPCL, IOCL, इसके अलावा टोयोटा जैसी कंपनी के साथ भी पार्टनरशिप किया है फ्लेक्सी फ्यूल बनाने की वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट इथेनॉल सप्लाई करने के लिए। अभी फंडामेंटली देखा जाए तो कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा कम है, लेकिन कंपनी की सेल्स ग्रोथ हो या फिर प्रॉफिट ग्रोथ दोनों ही काफी अच्छा है, और साथ ही साथ कंपनी है लगभग एक डेट फ्री कंपनी। फिलहाल मार्केट पे इस कंपनी की एक शेयर की प्राइस चल रहा है 33.40 रुपीस के आसपास, जो कि लगभग इसकी बुक वैल्यू की बराबर है। एज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ ईवी इन्वेस्टमेंट इस सेगमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छा डिसीजन है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस इंडस्ट्री के अंदर फ्लेक्सी फ्यूल के अंदर बहुत ज्यादा फोकस किया है, इसकी डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट फायदा KM सुगर या फिर इस जैसी सिमिलर कंपनीज को मिलने वाला है। अभी अगर आप फ्लेक्सी फ्यूल इंडस्ट्री की थोड़ा सा डोमिनेंट प्लेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, देन पराज इंडस्ट्री इस कंपनी को भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। अभी अगर आपको फ्लेक्सी फ्यूल इंडस्ट्री के ऊपर एक डिटेल डेडिकेटेड अलग से वीडियो चाहिए, देन नीचे कमेंट कीजिए #
फ्लेक्सी फ्यूल। अगर आपकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आता है देन हमारी तरफ से भी जल्दी से जल्दी वीडियो मिलेगा जहां पे हम फ्लेक्सी फ्यूल इंडस्ट्री के बारे में कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि फ्लेक्सी फ्यूल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कौन सी कंपनी क्या काम कर रहा है, कौन सी कंपनी अच्छा पोजिशन पे, कौन सी कंपनी बुरे पोजिशन पे, कहां पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ है, सब कुछ हम एक एक करके डिटेल उस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कॉमेंट कीजिए #FlexiFuel। इसके अलावा बिफोर इन्वेस्टिंग डू रिसर्च और टेक एडवाइस फ्रॉम ए सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, जो भी है। अभी हम बात करेंगे आज की वीडियो की तीसरी और अंतिम कंपनी के बारे में। अभी अंतिम स्टॉक पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, म्यूचुअल फंड से लेकर स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट से लेकर ट्रेडिंग के लिए अगर आपको चाहिए एक ऑल इन वन वन ऑफ द बेस्ट डीमैट अकाउंट, तो आप बेझिझक आप स्टॉक के साथ फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप स्टॉक की सबसे अच्छा जो खास बात है, इनके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस जीरो होने के साथ साथ अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस भी है जीरो। साथ ही साथ आप स्टॉक के अंदर सर रतन टाटा ने भी इन्वेस्टमेंट किया है, तो देर किस बात की, आज ही नीचे डिस्क्रिप्शन नहीं तो फास्ट कमेंट पे दिया गया लिंक की मदद से आप स्टॉक के साथ फ्री अकाउंट ओपन कीजिए और आज से ही खुद की शेयर मार्केट जाननी शुरू कीजिए। हम में से बहुत सारे लोगों की वन ऑफ द फेवरेट डिश है श्रिंप या फिर झींगा या फिर बंगाली में चिंगड़ी माछ। लेकिन क्या आप जानते हैं, इक्वेडर के बाद दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट श्रिंप प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है इंडिया। और फिलहाल हमने जिस कंपनी को शॉर्टलिस्टेड किया है वो श्रिंप फार्मिंग प्रोसेसिंग हैचरी और इसके अलावा श्रिंप फीड भी प्रोड्यूस करता है और उसे अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करता है। जो भी है, विदाउट वेस्टिंग टाइम, इस कंपनी की नाम है झील एक्वा लिमिटेड। साल 2009 झील एक्वा गुजरात से शुरू हुआ है, जो कि एंटीबायोटिक सी फूड फार्मिंग और श्रिंप प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट करता है। इस कंपनी की 160 फार्म से गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु की अलग अलग जगह पे एक कंपनी श्रिंप और फिशेस की अलग अलग टाइप्स बेचती है, जैसे कि इजी पील, पील्ड एंड डेविंड, हेड ऑन हेडलेस, पील्ड एंड डेविंड टेल ऑन, तिलापिया एंड बासा। देखिए, एक कंपनी फार्मिंग के लिए सैटेलाइट फार्मिंग टेक्निक यूज करती है। इसके अलावा कंपनी छोटे एक्वा फार्मर्स को फीड, प्रोबायोटिक और इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ कंपनी यूरोप, यूएसए, जापान में टाइगर प्रॉन और व्हाइट श्रिंप एक्सपोर्ट करता है। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से कंपनी एक्सपोर्ट से लगभग 38% और डोमेस्टिक मार्केट से लगभग 62% रेवेन्यू जनरेट किया है। इसके अलावा 16 मार्च 2023 कंपनी फ्रेश और क्वालिटी सी फ्रूट प्रोवाइड करने के लिए लेंक फ्रोजन फूड लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट किया है। अभी अगर हम फाइनेंशियल डेटा के ऊपर फोकस करते हैं तो हम देख सकते हैं कि कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। इसके अलावा कंपनी की सेल्स ग्रोथ काफ़ी लो है, लेकिन कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ है ऑलमोस्ट 69% के आसपास। इसके अलावा खुद के बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए इस कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा डेट लिया है, जिस वजह से इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो एक से ज़्यादा है। और फिलहाल शेयर मार्केट पे इस कंपनी की एक शेयर की प्राइस चल रहा है 7.5 रुपया के आसपास। देखिए, प्राइस इतना कम होने के पीछे कारण है, हाल ही में इस कंपनी की शेयर 1:10 रेशियो में स्प्लिट हुआ है। देखिए, कंपनी काफ़ी छोटा है, इनकी मार्केट कैप 100 करोड़ से भी कम है। इसके अलावा इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोन भी लिया है, इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं केवल तभी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिए। एक्सपर्ट का मानना है साल 2020 से COVID-19, वेदर चेंज, इसके अलावा कोस्टल एरिया में काफ़ी ज़्यादा साइक्लोन की वजह से एक्वाकल्चर सेक्टर काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो चुका है। इसके अलावा श्रिंप की सबसे बड़ा इंपोर्टर है चाइना, जो कि COVID-19 की बात से उतना ज़्यादा श्रिंप इंपोर्ट नहीं किया है। लेकिन मुझे लगता है कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी एमिटमेंट बिल 2023 आने के बाद इस सेक्टर के अंदर काफ़ी अच्छा ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी है, जिसकी फायदा कहीं ना कहीं झील एक्वा को भी मिलेगा। जो भी है, इन तीन कंपनी के बीच में कौन सी कंपनी आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, कौन सी कंपनी को आप डिटेल में एनालिसिस करना चाहते, जरूर से नीचे कमेंट पे बताइए। इसके अलावा
शेयर मार्केट जर्नी आज से ही शुरू करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन नहीं तो फास्ट कमेंट पे दिया गया लिंक की मदद से आप स्टॉक के साथ फ्री अकाउंट ओपन कीजिए। आज की वीडियो पसंद आने पे इस वीडियो को लाइक कीजिए और आज के जैसे ही क्वालिटी एनालिसिस क्वालिटी वीडियो आगे भी पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ऑन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और याद रखना, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ और आज की वीडियो कंप्लीट स्टडी पर्पस के लिए। किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करने से पहले या फिर ना करने से पहले कुछ से स्टडी कीजिए, एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए। अगर आपकी कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं। जो भी है, थैंक यू दिल से। हम मिलेंगे फिर से। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग।